स्टारिंग दिस इज यासर दिस इज अस्ट हम लाए आज आपके लिए वीडियो थोड़ी लेट होगी वी आर सॉरी फॉर दैट आपको पता है ब्रीडिंग सीजन चल रहा है और ये इस सीज़न में सारे ही मसरूफ होते हैं तो हम आज आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे एक म्यूटेशन के बारे में कि क्रीमेनू ऑफलाइन किस तरह से होनी चाहिए उसके मार्केट स्टैट्स क्या हैं उसके डिमांड्स क्या हैं तो उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे और आपका फिर शुक्रिया आपका लाइक करने का सब्सक्राइब करने का आपकी बहुत आ, सपोर्ट है हम आ, हमारे चैनल को और अब स्टार्ट करते हैं मौजू पे आते हैं तो जी अवैस क्रीमिनो ऑफलाइन ये क्या म्यूटेशन है इसकी क्या हिस्ट्री है और ये कैसे बनाई जाती है इस पर प्लीज़ गाइड कीजिए जी असर क्रीमिनो सिंपल जिस तरह आपको पता है कि येलो बर्ड विद रेड आइज़ यू रिडक्शन के साथ अब ऑफलाइन उसमें जब आप ऐड करेंगे तो डेफिनेटली दो चीज़ें ऐड होंगी एक उस बर्ड का हुड हो ऐड होगा और सेकंड उसकी टेल बार क्रीमिन ऑफलाइन में सम टाइम यूमेलना रिडक्शन की वजह से हुड थोड़ा सा लाइट आ जाता है लेकिन टेल बार हमेशा प्रोमिनेंट रहती है और इसका मार्केट ट्रेंड के हवाले से अगर बात की जाए तो लास्ट ईयर बहुत अच्छी इसकी मार्केट थी बहुत ज़्यादा हाइप क्रीड थी इसकी इस साल भी इसकी मार्केट उम्मीद है कि ठीक होगी और देखने में बर्ड खूबसूरत है अगर आप इसको डार्क हुड में प्रोड्यूस करते हैं तो बर्ड देखने में बहुत खूबसूरत है सेकंड इसकी आपने बात की इकोनॉमी यानी प्राइस के हवाले से तो लास्ट ईयर इसको हमने 50 के से लेकर 90 के 80 के तक ट्रेड होते देखा और इस साल एक्सपेक्टेड है कि 60 के टू 70 के के दरमियान ये ट्रेड होगा अच्छा वैसे जैसे ऑफलाइन की मार्केट गिरी है ओवर लास्ट मंथ्स yes. तो आप देखें रहे हैं क्रीमिनो ऑफलाइन की आ, मार्केट स्टेबल रहेगी या गिरेगी सा? इस साल इसमें देखें दो फैक्टर्स हैं एक डिमांड और एक ओवरऑल पसंदीदगी लोगों की वो भी डिमांड से रिलेटेड हो जाती है लास्ट ईयर एक्चुअली कुछ एक दो इशूज़ की वजह से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई लेकिन इस साल अभी देखने में आएगा कि क्या करते हैं लोग वैसे ओवरऑल क्योंकि कमर्शल बर्ड की एक अल्टीमेट वर्जन है तो कुछ लोग इसको पसंद करते हैं अपने ीती तौर पे और कुछ लोग इसको ट्रेडिंग के लिए बेहतर समझते हैं लेकिन क्रीमिनोज अल्बाइनोज़ की नस्बत इसकी डिमांड कम होगी लेकिन होगी इन शाला ओके तो ये बताइए कि जहाँ पे हमारे पास आ, सिंपल ओपलाइंस में ग्रीन पाप ब्लूज और ब्लू ओप्लाइंस लोग पसंद करते हैं पाप ब्लू ऑफलाइन सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं तो वहाँ क्रीमिनो ऑफलाइन कैसे अपनी जगह बना रहा है या बनाएगा बेसिकली इसका उससे कोई कंपैरिजन नहीं है ख़ास क्योंकि वो अपनी एक कैटेगरी में अलदा एक म्यूटेशन है ऑप्लाइंस और उनके कलर डार्क होते हैं हुड वग़ैरह हुड उसके अलावा फ़िश स्केल मार्किंग्स वग़ैरह उसके स्टैंडर्ड्स बिल्कुल डिफरेंट है इससे इसमें ना तो आपके फिश स्केल मार्किंग्स हैं ना ही हुड पे मास्किंग है और इसके अलावा हुड भी इसका थोड़ा लाइट होता है तो इसको कदरे उन ऑप्लाइंस के बेचना ज़रा आसान है कि आपका मास्किंग का इशू नहीं आएगा आपकी मार्किंग का इशू नहीं आएगा और लेकिन ओवरऑल बर्ड देखने में ऑफलाइन होगा तो ये एक मेजर डिफरेंस है तो इसका दोनों का कंपैरिजन एज सच नहीं बन पाएगा तो व्यूर्स ये हमारी अपनी थॉट्स हैं अपने पर्सनल व्यूज हैं इस म्यूटेशन uh, के बारे में क्योंकि आपके सवाल बहुत आ रहे थे तो इसलिए हमने इस पर बनाया तो आई वुड सजेस्ट के uh, जो न्यू फ्रेंसियर है जिनकी एज एक साल या दो साल वो अभी कमर्शल बर्ड्स की तरफ रहे वंस यू आर स्टेबल इन दिस बिजनेस यू अंडरस्टैंड के क्या इसके रिस्क हैं तो, तो अवैस आप एंड uh, पे ये जरूर बताइए कि क्रिमिना ऑपलाइन की वर्किंग क्या है तो टॉप की दो वर्किंग्स बता दीजिए अच्छा इसमें देखें एक तो है ये है कि आप अगर टाइम अपना सेव करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप एक बर्ड क्रीमिनो अपलाइन या मेल और फीमेल बाय कर सकते हैं और दूसरा बर्ड अपने घर से उसके साथ ऐड कर सकते हैं तो आपका एक साल जो है वो सेव हो जाएगा सेकंड अगर इसकी वर्किंग पेज जाते हैं हम तो इसकी जो सबसे बेहतर वर्किंग है जो मेरी नज़र में है जिससे लोग इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि आप एक क्रीमिनो बर्ड ले लें आपके पास जो भी अवेलेबल है मेल और फीमेल और उसके काउंटर में जो है आप पार ब्लू अपलाइन का बर्ड ले लें आप उन दोनों को पेयर अप करें उसमें से आपके पास अपलाइन अगर अपलाइन का मेल है तो तमाम फीमेल्स अपलाइन में आएंगी स्प्लिट इनोज़ होंगी और पार ब्लू में होंगी और उसमें ब्लू बर्ड भी आएंगे जो कि आपके पॉसिबल ब्लू टूज भी होंगे और स्प्लिट इनो होंगे और मेल जितने हैं वो पार ब्लू स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट इनो होंगे और ब्लू वाले जो है पॉसिबल ब्लू टू भी होंगे तो नेक्स्ट ईयर उससे नेक्स्ट ईयर आपने जो आपके स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट इनो वाले मेल हैं उनको आप सिंपल क्रीमिनो फीमेल दे सकते हैं तो उसमें से आपके पास फीमेल के जो जीमिन ऑफ अपलाइन के चांसेस होंगे और अगर पॉसिबल ब्लू टू को आप ब्लू बर्ड देते हैं जो कि यानी अल्बाइनो तो आपका अगर उसमें से तमाम बर्ड क्रीमिनो निकल आते हैं और क्रीमिनो अपलाइन उसमें से, उस से प्रोड्यूस हो जाते हैं तो वो आपका क्रीमिनो अपलाइन भी आ जाएंगे और आपका ब्लू टू भी कन्फर्म हो जाएगा तो ये टू इयर्स की वर्किंग है आपने जो स्लाइड्स पीछे चल रही हैं आपने देखा होगा कि मेल किस तरह से लगाना है फीमेल किस तरह से लगाना है और आगे क्या सिर्फ उनके बच्चे आएंगे और फिर नेक्स्ट ईयर आपने उन बच्चों के साथ क्या ट्रीटमेंट करनी है तो वैसे शुरू में आप बता रहे थे कि अगर हम डायरेक्ट क्रीमिनो ऑफलाइन लेते हैं तो उसको पेयर अप किस तरह करेंगे क्रीमिनो ऑफलाइन की अगर आप फीमेल लेते हैं तो उसके लिए आप जिस तरह भी हमने ऑफ स्ट्रिंग्स का भी बताया कि क्रीमिनो ऑफलाइन के ऑफ स्ट्रिंग्स आएंगे जो अभी लास्ट में हमने आपको पेयरिंग बताई तो उसके लिए आप लुटीनो ऑफलाइन ले सकते हैं

तो व्यूज़ आई होप कि आपको अंडरस्टैंड आई होगी अंडरस्टैंडिंग कि ये इसकी वर्किंग क्या है इसके मार्केट क्या है और इसकी प्राइस रेंज क्रीमेनों से थोड़ी सी ऊपर प्रीमियम प्राइस है तो इट्स योर चॉइस आप करना चाहें और अभी अगर आप हमसे पूछें तो आई थिंक मार्केट ट्रेंड देखना चाहिए कि अगर कोई डिमांड है तो फिर आप इसकी वर्किंग करें yes. जी व्यूज़ अब हम चलते हैं वीडियो के दूसरे सेगमेंट में जहां हम बात करेंगे कमर्शियल वर्ड्स को हम किस तरह से इम्प्रूव करें इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि अगर मैंने क्रीमिनो डेकिनो अल्बाइनोज अपने पास रखे हैं और मैं उसको फ्यूचर में अगले पाँच छः साल अपनी एवरी में ब्रीड करना चाहता हूँ उनके से सेल करना चाहता हूँ तो मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए तो उसमें आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी जी वीकर ब्लड लाइन और स्ट्रॉगर ब्लड लाइन कलर्स कैसे बेहतर करें और साइज़ कैसे बेहतर करें तो अवैस आप बताएं कि एक, एक जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है इन कमर्शियल बर्ड्स की तो फैंसियर्स को क्या करना चाहिए जी इसमें असर यह है कि आप जो आ, ग्रीन फिशर एक बर्ड है ग्रीन फिशर एक तो आपके आम अवेलेबल है तो नजर आ रहा होगा यस ये नहीं लेना आपने यानी वाइल्ड ग्रीन फिशर जो क्वालिटी में भी बेहतर है साइज में बेहतर और वाइल्ड मीन के वो किसी भी बर्ड का स्प्लिट नहीं है ना ही वो ये तो हमें कहां से मिलेगा अब ग्रीन फिशर और वाइल्ड ग्रीन फिशर में क्या फर्क है ये अगर दो बर्ड सामने आपके अवेलेबल हों तो उसमें भी आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि ये आपका ग्रीन है

आ, देखें या सर ये वेरी करता है कि आप किस ब्रीडर से ले रहे हैं और उसके पास कौन सी ब्लड लाइन अवेलेबल है क्योंकि ये हमारा नेटिव बर्ड नहीं है तो बाहर से ही आता है ये इम्पोर्ट करना पड़ता है और इस टाइम चंद लोग हैं जो इस पर वर्किंग कर रहे हैं तो अराउंड मैं कहूँगा थर्टी टू फिफ्टी के के अराउंड आपको एक बर्ड अवेलेबल होता है ये तो आप ये एक बर्ड ले लें चाहे मेल ले लें चाहे फीमेल ले लें बेहतर के आप मेल लें ताकि आप उसको एक या दो फीमेल्स के साथ एक ब्रीडिंग सीजन में पेयरअप कर सकें आप मेल लें मेल के साथ आप पार ब्लू सॉरी क्रीमिनो की फीमेल को पेयर अप करें उसमें से आपके पास जितने भी ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे वो तमाम ग्रीन फिशर आएंगे अच्छा यस क्योंकि ग्रीन डोमिनेंट है और वो स्प्लिट ब्लू भी नहीं है तो जब वो स्प्लिट ब्लू भी नहीं है और डोमिनेंट है और तो वो पार ब्लू यानी क्रीमिनो के साथ जब लगेगा तो तमाम बच्चे आपके पास ग्रीन फिशर आएंगे तो हमने मेल लिया वाइल्ड ग्रीन फिशर फीमेल ली क्रीमिनो उन्होंने जो बच्चे निकाले वो सारे ग्रीन फिशर स्प्लिट इनो इनो हो गए अब वो आपने आ, रिटेन करने अपने पास रखने हैं उसको नेक्स्ट ईयर आपने जो उनमें से बेस्ट अवेलेबल बर्ड्स हो यानी साइज में क्वालिटी में हर अच्छे पेयर में से कुछ बच्चे बहुत अच्छे आते हैं कुछ थोड़े से आपको लगेगा कि यार ये इनकी नस्बत थोड़े कम है तो आपने जो बेस्ट बर्ड होंगे उसमें से वो आपने लेके उसके साथ क्रीम लगाना है या अल्बाइनो लगाना है लेट सपोज आपके पास अब सीजन एंड पे यानी सीजन स्टार्ट पे ब्रीडिंग सीजन के स्टार्ट पे आप एक देखते हैं कि ग्रीन स्प्लिटिनो बहुत अच्छा बर्ड है तो वो मेल है अब आपने उसके साथ क्रीमिनों की फीमेल लगानी है अब आप जब उसके साथ क्रीमिनों की फ़ीमेल लगाएंगे तो जब ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे आपके पास उसमें आपके पास ग्रीन फिशर स्प्लिट इनो स्प्लिट ब्लू भी आएगा ब्लू अल्बाइनो यानी अल्बाइनो भी आएगा अल्बाइनो स्प्लिट्स भी आएंगे इसके अलावा आपके पास पार ब्लू स्प्लिट इनोज भी आएंगे और इसके बाद आपके पास क्रीमिनोज भी आएंगे और डेकिनोज भी आएंगे तो ये पेयरिंग सबसे बेस्ट है और इसमें से जो भी बर्ड आएंगे आपके पास उनका साइज उनकी मास्किंग वो तो बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी होगी ब्लड लाइन बहुत अच्छी होगी तो आप जब उसको फर्दर आगे अपनी एवरी में मेंटेन करेंगे और उसको पेरअप करेंगे तो आपके पास फर्टिलिटी एग क्वांटिटी, उसके अलावा डेड इन शेल, इनफर्टिलिटी ये इश्यूज नहीं आएंगे और रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे हैचिंग बहुत अच्छी होगी ये हमने जनरली जो ऑब्जर्व किया उसके हवाले से आपको वेट कर तो सिंपल सिम्प्लीफाई करें तो आप अपने जो कमर्शियल बर्ड्स हैं आपके क्रीमिनो डैकिनो एल्बाइनोस उनके साथ आप वाइल्ड ग्रीन फिशर ऐड करेंगे उनके जो चिक्स आएंगे जैसे अवैस ने पहले बताया उनको फिर एक साल आप रेडी करेंगे फॉर नेक्स्ट ईयर और फिर उनके साथ आप आपनोज़ के बर्ड लगाएंगे और उनसे जो बच्चे आएंगे उनकी ब्लड लाइन बड़ी स्ट्रांग रहेगी और वो फिर आप परमानेंट अपने ब्रिडस लगा सकते हैं सकें अच्छा अवैस ये तो होगी हमारी ब्लड लाइन अच्छा लेट्स लेट्सपोज आप अगर ये काम नहीं करना चाहते तो क्या सिंपल और तरीके हो सकते हैं कि हमारे जो क्रीमिनो डिनो अल्बाइनो रेडाई और स्प्लिट्स आ रहे हैं बच्चे आ रहे हैं हम उनको और किस तरीके से उनके साइज़ और क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं आ, अपनी एवरी मैनेजमेंट के हिसाब से उसमें देखें अगर आप टाइम सेविंग करना चाह रहे हैं क्योंकि किसी भी बिज़नेस में किसी भी काम में आपका टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है अगर आप टाइम सेविंग करना चाहते हैं तो आप जिस तरीके से वर्निंग वर्किंग हमें अपने आपको बताई है तो ये वर्किंग वाले बर्ड भी अवेलेबल है लोगों के पास लाइक आपके पास ग्रीन फिशर्सिन भी आपको मार्केट से मिल जाएंगे ग्रीन और प्लाइन स्प्लेटिनोज भी मिल जाएंगे तो आप वो बर्ड भी बाय कर सकते हैं सेकंड आप किसी भी अच्छी एवरी से जो काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं और आपको पता है कि वो क्वालिटी वर्किंग कर रहे हैं तो आप उनसे अच्छे साइज़ का क्रीमिनो अच्छे साइज़ का बाबाइनो एक या दो बर्ड बाय कर सकते हैं और उसको अपनी एवरी के बर्ड के साथ पेयरअप करके अच्छे बर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं तमाम बच्चे अच्छे नहीं आते अगेन दो तीन बच्चे आएंगे पूरे सीजन में अच्छे आपको एक पेड़ से आप वो दो तीन बच्चे रखें नेक्स्ट ईयर उनको लगाएं तो विद इन वन और टू ईयर्स आपके पास जितने भी बच्चे होंगे वो अच्छी क्वालिटी के प्रोड्यूस होंगे तो आप जो थोड़े से कम क्वालिटी के या कम क्वालिटी मीन छोटे साइज़ के बर्ड होंगे वो आप मार्केट में फ्लोट कर सकते हैं और आपके पास अपनी एवरी को एक अप टू दी मार्क मेंटेन कर सकते हैं तो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इसके साथ ही हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है आखिर में फिर आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपके लाइक्स का कॉमेंट्स का सब्सक्राइब सब्सक्रिप्शन का और फिर मैं एक आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये हमारे अपने एक्सपीरियंसिस हैं इसको हमने जो सीखा आप तक पहुँचाया और आज की जो ये वीडियो है ये सीनियर फैंसियर्स के लिए हैं जो तीन साल चार साल जिनको हो चुके हैं और जो इन वर्किंग्स को समझते हैं अगर आप पहला साल है दूसरा साल है तो आप अभी कमर्शल बर्ड्स के अंदर जैसे हमारी पहली आ, वीडियोस हैं उसके अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए उनको सीखें नॉलेज अपना बढ़ाएं और फिर जो आ, आप में से ये डिसीजन ले कि मैं इसको लॉन्ग टर्म पे अपना इस कमर्शियल बर्ड को ब्रीड करना चाहता हूँ तो उसके लिए फिर ये क्रीमिनो ऑफलाइंस और फिर ये वाइल्ड ग्रीन फिशरी के साथ आप ब्रीड करके अपनी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपना ब्रांड स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आप इसमें मजीद कामयाबी तो अवैस आप आखिर में कुछ ऐड करेंगे जी मैं एक चीज़ थोड़ी सी ऐड कर दूं मैं अभी आपकी ये क्लोजिंग सेंटेंस सुन रहा था तो इसमें जिस तरह यासर ने बताया कि ये आप थ्री इयर्स के लिए वर्किंग है तो मैं एक फ़िक्र तो ये ऐड करना चाहूंगा कि अगर इस साल आपके पास अल्बाइनोज़ हैं तो नेक्स्ट ईयर आपके पास सिर्फ अलबाइनोज़ नहीं होने चाहिए ग्रो करना लाजमी होना है यानी नेक्स्ट ईयर आपके पास एटलीस्ट एक क्रीमिनो का पेयर होना चाहिए अदरवाइज़ अगर आप इस साल भी अब्बाइनोज पे हैं नेक्स्ट ईयर भी अलबाइनोज़ पे हैं तो फिर आप समझ लें कि आपने तरक्की नहीं की और आपका डे बाय डे जिस तरह हम पैसे को कहते हैं डी वैल्यू होता है तो आप भी डी वैल्यू होंगे तो अपने आप को डी वैल्यू ना आने दें सेकेंड इसमें हम लोग थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करते हुए डरते हैं तो ये ग्रीन फिशर जो मैंने आपको बताया कि थर्टी टू फिफ्टी के है ये आपका सिर्फ इनोज में काम नहीं आएगा ये आपकी हर म्यूटेशन में काम आएगा बर्ड आपको आपने अगर पेल फैलोज़ की ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग करनी है तो उस बर्ड को पेल फैलो में मर्ज करें ऑफलाइंस की मास्किंग मार्किंग अच्छी करनी है तो वो बर्ड ऑफलाइंस के साथ आप मर्च करें किसी भी बर्ड की क्वालिटी साइज बेहतर करना है तो वो बर्ड आपको काम आएगा तो लिहाजा अगर वो फिफ्टी के का भी मिलता है अच्छा बर्ड तो लाजमन इन्वेस्ट करें इसके साथ ही आ, हम आपसे इजाजत चाहेंगे अल्लाह अल्लाह